क्या एवरग्रीन एक्ट्रेस किरण खेर का हुआ निधन? क्या कहा अनुपम खेर ने इस खबर पर? आइए जानते हैं इसके पीछे का राज। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर दी लेटेस्ट अपडेट। द एवरग्रीन एक्ट्रेस किरण खेर का निधन हो गया है, ऐसी खबर वायरल हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि अनुपम खेर जो कि किरण खेर के पति हैं, उन्होंने बताया इसके पीछे का सच। आइए हम बताते हैं क्या कहा अनुपम खेर ने। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, देयर इज अ रूमर्स गोइंग अराउंड अबाउट किरण's हेल्थ। It's all false. She is doing absolutely fine. In fact, she got her second vaccination done for COVID this afternoon. I will request people not to spread such negative news. Thanks. Stay safe. और वहीं आपको बता दें कि अनुपम खेर की फैमिली ने वैक्सीन का सेकेंड डोज ले लिया है और साथ ही अनुपम ने एक वीडियो भी शेयर किया है जहां वो वैक्सीन लगवाते नजर आ रहे हैं। और साथ ही अनुपम ने नानावती हॉस्पिटल को धन्यवाद करते हुए कहा कि आपके वजह से हमें वैक्सीन लगाना पॉसिबल हुआ है। और वहीं अनुपम खेर की वाइफ एंड उनकी भाभी रीमा खेर और साथ ही उनके भाई राजू खेर सभी ने वैक्सीन का सेकेंड डोज ले लिया है और लोगों से निवेदन भी किया है कि वो भी लगवाएं। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से किरण खेर माइलोमा से डायग्नोस हुई है। ये एक ब्लड कैंसर है जिसके कारण वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थी। इस बात की जानकारी अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी थी और लिखा, किरण खेर मल्टीपल माइलोमा डिसीज से डायग्नोस हुई हैं और अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो हमेशा से फाइटर रही हैं और इस बार भी इस डिसीज से फाइट कर लेंगी। और वहीं इस पोस्ट को शेयर करने के बहुत दिनों बाद अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन रखा था जिसमें उन्होंने किरण खेर की हेल्थ अपडेट्स देते हुए कहा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है लेकिन डिसीज के लिए जो मेडिसिन चल रही है उनका साइड इफेक्ट्स भी हो रहा है, पर मैं आशा करता हूँ कि वो इस डिसीज से जल्द बाहर आ जाए। वेल, आपका क्या कहना है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।